हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एएलपी के लिए सौ फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एएलपी के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ मैं उस हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लानेशन भी करूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होते चलेंगे। तो अगर मेरे साथ पूरी सीरीज में आप बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसमें से आप कम से कम तीन या चार क्वेश्चन पक्के कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के का ये सेशन, और मैं अपने पहले सीरीज की शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करता? इसका मतलब है दोस्त, पूछा जा रहा है कि जब हम लोग कोई भी वेव को इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें क्या ट्रांसफ़र होता है। तो आप जानते हैं वेव का डिफिनीशन होता है, वेव इज मीडियम टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वेव जो है वो ऊर्जा को ट्रांसफ़र करता है। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना तेज़ी से पक जाता है क्योंकि, इसका आंसर क्या है आप बताइए। तो पहला है कुकर के अंदर दबाव कम होता है, कुकर के अंदर दबाव अधिक होता है कुकर के आकार के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्त, अगर किसी भी चीज़ को बॉयल करना है तो उसका जो है आपको प्रेशर करना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसका मतलब अगर कुकर का प्रेशर जो एक एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो वो बॉयल करने लगेगा। तो कुकर में क्या होता है कि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर स्टोर होता है और प्रेशर अधिक लगता है जिसके कारण से खाना जल्दी पक जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कण का वेग एक रूप माना जाता है जब, इसका मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि यदि मोमेंटम एम बराबर सॉरी पी बराबर होता है एम भी, इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है एक रूप है यानी कि कांस्टेंट है। तो जब मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है तो इसमें वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो तभी कांस्टेंट होगा जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और साथ ही साथ उसकी दिशा भी कांस्टेंट हो। यानी दोनों चीज़ कांस्टेंट होगा तभी ही मोमेंटम को हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वेग का परिमाण स्थिर होता है, गलत हो गया, उसका दिशा भी स्थिर होना चाहिए। वेग की दिशा स्थिर होती है, वेग का परिमाण और दिशा स्थिर होती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 5 वर्षों में एक राशि तिगुनी हो तो साधारण ब्याज की दर क्या है? ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्त, तभी मैं बता देता हूँ आपको। कह रहा है कि 5 वर्षों में एक राशि तिगुनी हो जाती है, मतलब कि मान लीजिए कि राशि 100 रुपया है तो यानी कि 5 वर्ष में वो 300 हो जाती है। इसका मतलब उसमें इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 200%। कितने साल में, 5 साल में 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब कि उसका कितना हो गया, 40% है रेट इंटरेस्ट। यानी ऑप्शन कौन हो गया आपका, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कंडक्टर में 0.2 एम्पियर करंट होता है 30 सेकेंड में, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे यदि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है? तो दोस्त, हम लोग जानते हैं कि करंट क्यू बट टी होता है आई बराबर। तो यहाँ से करंट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग उससे निकाल लेंगे। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.02 बराबर है क्यू, मान लीजिए कि एक्स इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ बटे टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को करंट का वैल्यू निकल जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी श्रव्य ध्वनि नहीं है? तो दोस्त, आप लोग जानते हैं कि श्रव्य ध्वनि जो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में होती है। तो इसमें से जो 20 से 20,000 हर्ज के बीच में रहेगी वो श्रव्य है, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 के बीच में नहीं है वो श्रव्य नहीं है। तो ऑप्शन चेक करते हैं तो देख रहे हैं हम लोग 25,000 श्रव्य है, 200 हर्ज श्रव्य है, 25,000 नहीं श्रव्य है। यानी 25,000 का जो वैल्यू है वो आपका 20 से फ्रीक्वेंसी 20,000 के बीच में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पावर हाउस से आपूर्ति की गई बिजली के वोल्टेज को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरण कौन सा है? तो आपका आंसर है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या रहता है कि अगर आपने 11,000 वोल्ट की बिजली सप्लाई की किसी भी वायर में, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है 220 वोल्ट में, यानी ये आपको ट्रांसफ़र करके देता है और ये हमेशा वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखता है दोस्त। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन हो गया बी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक चश्मे के माध्यम से सफ़ेद प्रकाश की किरणें निकलती हूँ तो कम से कम विचलन से गुजरने वाला रंग कौन सा होता है? तो सबसे ऊपर होता है दोस्त लाल, क्योंकि लाल रंग का जो होता है वो लेमडा बहुत ही ज़्यादा होता है और स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, और फ्रीक्वेंसी सभी भी कोई भी लाइट हो कोई भी कलर हो उसका कांस्टेंट होता है, यानी कि लेमडा वैरी करेगा। इसका मतलब लेमडा जिसका ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और स्पीड ज़्यादा होगा तो विचलन यानी डिविएशन कम होगा, क्योंकि स्पीड चलती हुई वस्तु को डिविएट करना उतना आसान नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका है सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो आप लोग जानते हैं ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तभी मैं बता देता हूँ कि विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है, घुलनशील है। अंतर्राष्ट्रीय मापन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है पेरिस, ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन के डिफिनीशन के हिसाब से वैसा परिवर्तन जो वन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर उसका ट्रांसफर हो जाए तो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आया जा सकता, उसको रासायनिक परिवर्तन। यदि एक अवस्था से एक अवस्था दो में आप जा सकते हैं और दो से एक में आ सकते हैं, जैसे कि पानी को एक से बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ को फिर से पानी बना सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिससे अगर एक से दूसरे में चले गए तो फिर दूसरे से एक में नहीं आ सकते हैं, जैसे में कि कोयला अगर जल गया, कोयला जलने के बाद फिर से आप उसको कोयला नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। चलिए जी का मान पर अधिक होता है, तो दोस्त ये जो जी है उसका वैल्यू अंटार्कटिक पर सबसे ज़्यादा होता है। चलिए 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भाप उसी तापमान पर पानी की तुलना में अधिक जलन देती है, इसका एक रीजन है दोस्त, जब एक सब्सटांस दूसरे सब्सटांस में बदलने लगती है तो ताप जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और जितना भी हीट ऑब्जर्व होने लगता है, जैसे पानी है तो भाप में बदलने में लेने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही भाप में बदलने में लेने लगता है तो जो हम लोग हीट दे रहे हैं तो भाप के पास ज़्यादा मात्रा में हीट रहता है और पानी के पास कम मात्रा में हीट रहता है, क्योंकि जो भाप है वो लैटेंट हीट को भी ऑब्जर्व किए रहता है। ओरिजिनल में पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी होता है, इसी कारण से भाप जो है ज़्यादा गर्मी देती है। निम्न में से किसमें आवधिक तालिका में शून्य इलेक्ट्रॉन सदृश है? इसका आंसर है राडून। ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला दर्पण है कौन सा? तो वो है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो बहुत बड़े इमेज का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वो भी काल्पनिक, इसका मतलब जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसा ही उसका इमेज बनता है, इसलिए हम लोग कोई भी वाहन के साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वस्तु 100 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, छवि कहाँ बनेगी? एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के, इसका मतलब कि फोकस बराबर दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण से मीटर की दूरी पर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उत्तल लेंस में हमेशा निगेटिव में होता है -500 मीटर, तो इसका मतलब है कि मिरर फॉर्मूला से आप बना सकते हैं 1/v - 1/u = 1/f, वैल्यू पुट करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बाइट कितने बीट के बराबर होता है? तो इसका आंसर है सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ परिमिति दूरी द्वारा अलग किए गए दो चार्ज को जन्म देती है। अगर हम लोग दो चार्ज को अलग अलग कर देते हैं, जैसे एक Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, तो इसके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगने लगता है इसके चार्ज के कारण, उसको क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फोर्स। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का सर्वश्रेष्ठ कंडक्टर है? तो दोस्त
सबसे ज़्यादा जो बिजली का कंडक्टर है वो सिल्वर है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद जो आता है वो तांबा होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चार विकल्पों में से कौन सा एक अन्य तीन से अलग है? तो तीन से अलग कौन है? जैसे मीटर, ये भी लंबाई को नापता है, आयतन, इसमें भी मीटर क्यूब होता है, मीटर में मीटर, लीटर में एल क्यूब होता है, आयतन सेकंड। तो यहाँ से देख रहे हैं दोस्त, ये तीनों जो हैं लीटर, मीटर और सेकंड, ये ऐसा यूनिट है, जबकि आयतन जो है ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन, यदि 0.4 ओम प्रतिरोध की एक तार कंडक्टर में लंबाई में दोगुनी हो जाती है और इसके आधार का क्रॉस आंशिक क्षेत्र एक समान रहता है, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो दोस्त आर बराबर होता है आपका रो एल बाई ए, तो ए यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, तो लेंथ को क्या कर रहे हैं? दोगुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस दोगुना हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 8। कोई भी अगर पार्टिकल चार्ज होता है, तो हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बॉडी के चार्जिंग का मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आंसर 1 हो गया आपका। यदि एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, त्वरण जो होगा वो हमेशा नीचे की ओर रहेगा, यानी जी जो है हमेशा अर्थ की ओर लगता है, गेंद ऊपर जाते रहे या नीचे आते रहे, तो आंसर ए हो जाएगा, नीचे की ओर। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में हम लोग इसके पार्ट 2 में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और इसके सभी पार्ट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहे, और मैं ये 100 क्वेश्चन का सीरीज आपको एग्जाम से पहले ही ला के दूंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगा, और यदि इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।